अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करने हैं 3D में, तो एकदम एक्चुअल 3D व्यू लग रहा है, लग रहा है कि सही में कि कुछ हाँ ऐसा चीज़ है जो 3D में है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D होलोग्राम फैन। ये एक तरीके का फ़ैन है जो कि घूमता है और इसमें आप जो है इमेज, वीडियो, GIF फाइल, कोई भी चीज़ आप इसमें अपलोड करके चला सकते हैं। और इसमें जो है आप एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं, इसे अपने शॉप पे लगा सकते हैं या कहीं भी आपको जहां एडवर्टाइजमेंट की नीड है तो आप इसे लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, ये जो 3D होलोग्राम फ़ैन है इसको चलाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है मोबाइल ऐप के हेल्प से होता है। आज से 2 साल पहले मैंने एक 3D होलोग्राम फैन का वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और बहुत सारे लोगों ने बताया था कि काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन उस टाइम में टेक्नोलॉजी उतना अपडेट नहीं था, वाईफाई वाले अवेलेबल नहीं थे, आते भी थे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अभी जो मैं ये आपको 3D होलोग्राम फैन दिखा रहा हूँ, ये वाईफाई से ऑपरेट होता है, जिसकी कि प्रोग्रामिंग आप अपने मोबाइल ऐप के हेल्प से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही इमेज अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के हेल्प से। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे सेट करने के लिए सीखेंगे कि कैसे इसे जो है पूरा ये जो है अलग अलग खुला हुआ आता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, तो इसे जो है हम लोग नट बोल्ट के थ्रू असेंबल करते हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद जो है इसे हम लोग रिमोट से ऑपरेट करके देखेंगे, क्योंकि इसके साथ जो है आपको एक रिमोट देखने के लिए मिलता है, रिमोट से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है मोबाइल ऐप से देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ। जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया, ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा मूव करने लगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आप 3D में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करने हैं 3D में, तो एकदम एक्चुअल 3D व्यू लग रहा है, लग रहा है कि सही में कि कुछ हाँ ऐसा चीज़ है जो 3D में है, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू इस टाइप के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट के वीडियो में कभी इसको बनाने का बताऊँगा, ठीक है, कि 3D कैसे बनाते हैं। अभी जो है मैंने कुछ इमेज डाले हैं, जैसे ये मैंने डाले हैं, इसके सॉफ्टवेयर में ही थे इस टाइप के, तो मैंने सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये डाले हैं। और मैंने कुछ इमेज डाले हैं जिसमें कंट्रोलर, पावर सप्लाई वगैरह वगैरह है। उसके बाद ये भी इमेज हैं और ये भी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पिक्सल LED का पट्टा है। और उसके बाद जो है हम लोग ये देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो चल रहा है। और अभी जो ये कैमरे से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी का इशू दिख रहा होगा, लेकिन अब जब नेचुरल आँख से देखेंगे तो वो काफ़ी क्लियर दिखेगा, आपको जो है एक लाइन नहीं दिखेंगे। ये हमारा लोगो हो गया। उसके बाद मैंने ये वीडियो प्ले किया था, आप रील्स में भी देखे होंगे ये वाला कृष्ण जी वाला वीडियो हमारा पिक्सल के ऊपर। तो इस टाइप से जो है आप इसे डिफरेंट काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक एल्बम टाइप का क्रिएट किया था, कैरोसेल टाइप का, जैसे आप इंस्टाग्राम पे इमेज को स्लाइड करते हैं, एक के बाद एक इमेज आता जाएगा, ठीक है, स्लाइड होके, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है इसमें बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस नहीं बताते हो, पर होता क्या है कि प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर आप इसे ऑफलाइन में हमारे शॉप से ख़रीदेंगे तो इसकी प्राइस जो है 16,000 रुपये की है, अगर सिंगल पीस खरीदेंगे। अगर बल्क में लेंगे तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बाकी ऑनलाइन में जो है GST इंक्लूड होने के कारण इसका प्राइस 16,000 प्लस GST आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप नीचे वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं या आप बुक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। इसमें और भी वेरियंट है, अभी जो है ये सबसे वाईफाई वाला, क्योंकि लोगों को प्रोग्राम करना काफ़ी ईजी रहेगा, तो ये वाईफाई वाला सूटेबल है, तो अभी हम ये वाले स्टॉक में रख रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें बड़े साइज के भी आते हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपको वेबसाइट पे अपडेटेड मिलेगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा था, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है प्लेलिस्ट, और आप किसी भी एनिमेशन को प्ले पॉज भी कर सकते हैं रिमोट के हेल्प से, ठीक है। और बाकी आप जो है मोबाइल ऐप के हेल्प से भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्सो दोस्तों, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आकर के रिप्लाई दूंगा, ठीक है। दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सेट करना है। तो ये जो है आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर जो है फोम के अंदर इसकी पैकिंग होती है,
तो मैंने इसे एक बार ऑलरेडी खोल चुका हूँ, तो इसमें जो अंदर में सामान रखे हैं तो वायर देख पा रहे हैं, वेल अरेंज नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिमोट कंट्रोलर भी मिलता है, आप इस फ़ैन को मोबाइल के साथ साथ रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन ऑफ ब्राइटनेस का कंट्रोल है, नेक्स्ट का है, और ये रिपीट वाला है, पाउच प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए मेंशन है 3D होलोग्राफिक। उसके बाद आ जाते हैं इस पर, ये आपका मेन यूनिट है, मेन यूनिट है मतलब जो इसका प्रोसेसर होता है, जो इसके मदरबोर्ड है, मेन यही है। और यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट दिख रहा है, और यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर SD कार्ड डाल करके मिलेगा, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। इसके साथ जो अभी आया है ये 16 GB का मेमोरी कार्ड है, और इसे जो है देखिए इसमें आपको सारा सर्किट बोर्ड ओपन दिख रहा है। इट मीन्स कि इसे जो है आपको पानी से, मॉइस्चर से बचा के रखना है, ऐसे एरिया में लगाना है जहाँ पे आपको पानी और मॉइस्चर ना पड़े, तो आउटडोर के लिए तो है नहीं। उसके बाद जो इसके विंग्स हैं, ये भी एक पूरी तरीके का PCB है, आप देख पा रहे हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके पीछे जो है SMD IC लगी हुई है। तो ये जो है फुल आपको वाटर से, मॉइस्चर से बचा के रखना है, क्योंकि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाटर और मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, तो डैमेज होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो इसे कहाँ लगाएंगे, शॉप के बाहर, आउटडोर में, ऐसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पानी बारिश का नहीं आता हो या मॉइस्चर ना आता हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 विंग्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और सब पे एक नंबरिंग किया हुआ है, मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए BB लिखा है, उसके बाद AA होगा, तो यहाँ पे देखिए A है, और ये भी A है, ठीक है। ये 4 विंग्स मिल रहे हैं आपको, ये मेन हो गया। उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो ये DC से ऑपरेट होता है, तो इसके लिए आपको एडेप्टर मिल रहा है पावर, जो कि AC से DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपको इसका लीड हो गया, और ये आपके वायर हो गए। उसके बाद आपको कुछ स्क्रू मिल जाते हैं, जो कि आप जब भी इस पे विंग टाइट करेंगे तो उसके काम में आएंगे, और अगर आप इसे दीवार में या फाइबर के टुकड़े पे चिपकाएंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो स्क्रू मिल जाते हैं, ताकि आप इसे वॉल में माउंट कर सकें। माउंटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 होल दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसे कैसे माउंट करेंगे, तो इसे निकालेंगे, दीवार में ड्रिल करेंगे, ये 2 पेच डालेंगे दीवार में, और ये वाला 2 स्टील स्क्रू डाल करके फंसा देंगे। जब आपके ये दीवार में लॉक हो जाएंगे, ऐसे मान के चलिए ये हमारा वॉल है, यहाँ पे ये फिट हो गया, टाइट हो गया, तो इसे जो है आप आराम से ऐसे करके डाल देंगे, तो ये आपका फ़ैन लॉक हो जाएगा। तो आइए इसकी असेंबलिंग करते हैं, और देखते हैं कि कैसे इसको असेंबल करेंगे। दोस्तों, इसको असेंबल करने के लिए आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो है 4 स्क्रू पहले से हर एक विंग के साथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसे खोल लेना है, और ये वाला जो स्क्रू है, इसका जो थ्रेड है अंदर का, वो मेटल का है। क्यों मेटल का है, क्योंकि काफ़ी सेफ रहे हमारा प्रोडक्ट, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये फीमेल जैक दिया हुआ है, और हमारे जो विंग्स हैं उसमें मेल कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो जिसके साथ फिट हो रहा है उसे में फ़िट करना है। तो ये वाला इधर की साइड है, आई थिंक ये फिट हो जा रहा है, तो ये आराम से फिट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं अभी एक स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का जो है आपको इस पैकेट में स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप टाइट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है इसको सेट करना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करके आपको दूसरे, तीसरे और चौथे विंग को सेट कर लेना। जैसे ये वाला का कनेक्टर इधर आ रहा है, और यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, इस मीन्स कि ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है फिट हो चुका है। अब जो है हम लोग इसमें पावर डाल करके देखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम साइड करते हैं, और यहाँ पे आपको पावर सप्लाई में जैक मिलते हैं,
तो अब यहाँ देखेंगे कि आपको एक साइड में जो है पावर का सॉकेट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है डीसी इनपुट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप जो है इसी के पावर सप्लाई के जो लीड्स हैं उसको यहाँ पे प्लग करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब जो है इस पावर सप्लाई को मैं लाइन में डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पावर सप्लाई से जोड़ दिया है, और इसे ऑन करने के लिए या तो रिमोट दबाने होंगे या जो है हमें मोबाइल ऐप से कंट्रोल करने होंगे। तो पहले मैं दोस्तों अब जो है हम लोग इसे रिमोट से ऑपरेट करके देखेंगे, फिर इसके बाद वाईफाई वाले पे जाएंगे कि ऐप से कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑन का बटन है, तो मैंने ऑन पे प्रेस कर दिया, तो ये आपका जो है मूवमेंट होने लगे इसमें। तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो है 3-4 प्रोग्राम पहले से आते हैं, और कुछ जो है 1-2 मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब जो है आपको यहाँ पहले से मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एनिमेशन चलेगा। ठीक है, ये तो नेक्स्ट के बटन हो गए। उसके बाद जो है आपको ये जो है लूप का है, उसके बाद जो है ये पाउच का है, प्ले का है। मैं इसे पाउच पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फ्रेम स्टिल हो गया। अगर कोई वीडियो आपने डाला पाउच करना है तो ये पाउच हो जाएगा, और प्ले पे क्लिक किया प्ले हो गया। ये आई थिंक ये ब्राइटनेस अप एंड डाउन का है, तो मैं इसका ब्राइटनेस कम करके देखता हूँ। देखिए ये ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँ तो ये ब्राइटनेस बढ़ भी रहा है। ठीक है, ये भी आपको ब्राइटनेस का दिया है, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। उसके बाद जो है फिर से हम नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं और ब्राइटनेस डाउन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये जो एनिमेशन देख पा रहे हैं दोस्तों ये आपको 3D में क्रिएट करने होते हैं। मैं किसी और वीडियो में 3D एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं ये बताऊंगा, और बाकी आप इमेज फ़ोटो वगैरह वगैरह कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मोबाइल फ़ोन दोस्तों, वाईफाई से इसको सेट करने के लिए आपको आपके पास एक होना चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है अपने मोबाइल के डेटा को बंद करने लेना है और जो है वाईफाई ऑन करने हैं। वाईफाई ऑन करेंगे, इसका जो डिवाइस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं MS45, इस पर क्लिक करना है, और इसका जो पासवर्ड है 1 से लेके 8 तक है। और यहाँ पे मैंने इस पर कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला ऐप खोलना है। अब जिन लोगों को पता नहीं कि ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये वाला ऐप जो है आप ये जो जब परचेज करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप के फीचर को जानते देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है ये ब्राइटनेस का कंट्रोल है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पे ऐड डिवाइस या कनेक्ट का ऑप्शन आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैंने ऐड डिवाइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारा MS45 नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जैसे गाने का प्लेलिस्ट बनाते हैं वैसे इफेक्ट के प्लेलिस्ट है। मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट पहले से बना रखे हैं, तो मैं कुछ कुछ एनिमेशन चला के दिखाता हूँ। जैसे ये सूज है 3D में, ये सूज है, वेल मछली है, हर्ट है, मैंने कुछ पिक्सल के सैंपल लेकर के बनाया हुआ है, कॉम्बो हैं, कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ लोगोज मैंने बनाए हैं, और कुछ ये कृष्ण जी का वीडियो है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। उससे पहले ऐप के और भी सेटिंग हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ जो भी डिवाइस आपके कनेक्ट है वो दिखाएंगे। यहाँ पे एक देख बड़े बटन है, इसे जो है आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर राइट स्लाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ नीचे में देखिए डिवाइस का ऑप्शन ना मिल रहा है, मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, डिजाइन का ऑप्शन मिल रहा है, कैमरा का और प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो डिवाइस के ऑप्शन में जो भी आपके डिवाइस के अंदर जैसे MS45 ऊपर में जो टॉप लेफ्ट में लिखा है MS45, उसमें ये प्लेलिस्ट है मैंने क्रिएट कर रखे हैं। मीडिया के ऑप्शन में आप मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पाइए, देख रहे हैं कि ये पिक्सल है और इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये पिक्सल स्क्वायर शेप में मूव करेगा, एनिमेशन बना सकते हैं।
ऐसे ये टेक्स्ट है, ये सब बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लोकल एक क्लाउड। क्लाउड में जो है आपका नेटवर्क इंटरनेट पे जो भी होगा वो होगा, ठीक है। अब ये सब डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये चारों साइड पिक्सल के फ़ोटो, कंट्रोलर के फ़ोटो, या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके फ़ोटो को कैसे लगाएंगे, उसका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिए पेंसिल का फ़ोटो बना है, डिज़ाइन मतलब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3D बॉक्स क्रिएट करना है तो 3D बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, आप जो सा भी पिक्चर चाहिए आपको वो आप डाल सकते हैं। मैं जैसे मान के चलिए मैं कोई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, इसका पिक्चर मुझे डालना है बॉक्स के अंदर। इसको जूम कर लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट का फ़ोटो डालना है मुझे। तो देखिए ये प्रोडक्ट का फ़ोटो मूव कर रहा है। यहाँ पे टोटल के टोटल 6 साइड हैं, आप चाहे तो हर एक साइड में जो है अलग अलग पिक्चर लगा सकते हैं, और फिनिश पे क्लिक करके ये आपको इमेज जो इफ़ेक्ट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही टेक्स्ट के हैं, यहाँ चाइनीज़ में लिखा है, कस्टम टेक्स्ट अपना डाल करके आप यहाँ टेक्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे करके 3D कराजल है, इमेज है, तो आप एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से आप जो है ये कर सकते हैं। जैसे मैं 3-4 फ़ोटो ले ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये पिक्सल का फ़ोटो ले ले रहा हूँ, अप्लाई करता हूँ, ठीक है। पिक्चर 2 में मैं और कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। आप इसके में इसके ऐप के साथ बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, मैं अभी एक दो करके दिखा रहा हूँ आपको बस, ठीक है। ये हमारा 2 इमेज हुआ, मैं फिनिश कर दिया, ठीक है। जैसे फिनिश पे करेंगे ये आपका ना इफ़ेक्ट फाइल आपको बना करके देगा, आप ऐसे करके कितना भी इफ़ेक्ट फाइल बना सकते हैं। और ये हमारा रेडी हो रहा है, जैसे ही रेडी होगा तो ये आपको इसका जो है नाम लिखने के लिए बोलेगा, आपको किस नाम से रखने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन जल्दी ही हो जाएगा, वीडियो में भी टाइम लगता है क्योंकि ये जो है मोबाइल से प्रोसेसिंग होने में इन सब चीज़ों को टाइम लगता ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ज़्यादा पिक्चर लेंगे तो वह ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ रख दिया है प्रोडक्ट इमेज, इसका नाम डाल देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। अब जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में ये फाइल सेव हो जाएगा, और जब हम लोकल वाले में चेक करेंगे तो वो हमें दिखने वाला है। यहाँ पे सेव होने में भी टाइम लगता है, पहले तो क्रिएट होने में टाइम लगता है, फिर सेव होने में भी टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये हमारा सेव हो चुका है, आप जाएंगे बैक। ये तो था क्रिएट करने का, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो जो पसंद है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे मीडिया में, तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए यहाँ पे वीडियो आ गया है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है। अब जो है मुझे इसे सेंड करना है, डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, सेंड करना है तो सेंड के लिए आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइस में मैं गया, तो ये हमारा जो है फैन डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये वो वाला जो हमने क्रिएट किया था वो हमें लोकल में देखने के लिए मिलेगा, लोकल मतलब जो हमने बनाया, ठीक है। इसे हम जूम भी कर सकते हैं, तो मैं जूम कर दिया हूँ। ठीक है, मैं इसे सेंड करके देखता हूँ, तो देखिए ये वाईफाई के थ्रू अपलोड हो रहा है, और ये जो भी डिज़ाइन सेंड होता है ना उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसमें सेव हो जाते हैं। सेंड होने के बाद आपको ये प्ले होने वाला है, ये सब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें ये मैंने वीडियो भेज रखा था इसमें पहले। अब चलिए ये वाला जो अभी हमने प्रोडक्ट इमेज नया बनाया, तो ये जो है आपका इस टाइप का है कुछ, ठीक है। मैंने वीडियो को जूम कर लिया था इसलिए जो है वो घूम घूम कर आ रहा है। तो इस टाइप से मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। आप 3D वाले भी बना सकते हैं इफ़ेक्ट्स, ठीक है।
ये सब जो है सॉफ्टवेयर से किया हुआ है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये सब सॉफ्टवेयर से किया हुआ है। तो मैं कभी इस पे वीडियो लाऊंगा कि इसके लिए 3D इफेक्ट कैसे बनाते हैं। अब जो है हम लोग इसमें इमेज डायरेक्ट आपको अगर फ़ोटो डालने हैं मोबाइल के थ्रू, लोकल वाले में तो क्या ऑप्शन है कि जो भी आप बनाएंगे ऐप के हेल्प से वो यहाँ दिखेगा। लोकल में कोई इमेज और वीडियो डालना है तो यहाँ पिक्चर या मोबाइल एल्बम पर क्लिक करना है, जो भी आपके लिस्ट है उससे आप उठा करके इसे अपलोड करके चला सकते हैं। ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें आपका फ़ोटो आएगा, आप जैसा जूम करेंगे और सेंड करेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ही आप जो है वीडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो जो भी है आप प्ले कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्ले करके आपको दिखाया हुआ है। और नीचे जो है ऑप्शन है कैंसिल करने का, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद जो कुछ सेटिंग्स में ऑप्शन है यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा है। और ये जो एंगल देख पा रहे हैं आप, ये एंगल देखिए, जैसे मैं इसे डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्योंकि फ़ैन आप जब भी वॉल पे सेट करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट चलाएंगे उसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो आप इसका यूज करके कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो हूँ मैं इसका डायरेक्शन एकदम सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटर में हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे आपको टाइमिंग स्विच मिलता है, यहाँ पे स्टार्ट होने का टाइम और एंड होने का टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन टू राउटर, आप अपने घर के राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में भी डिटेल पता नहीं है तो मैं इसलिए इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे शॉप नंबर वन या ऑफिस या कहीं भी जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी सा भी नाम रख सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी कंट्रोल है, ये डेवलपर के लिए है। तो मेनली इसमें जो है आप जो है प्लेलिस्ट बना सकते हैं, इफेक्ट के इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, और सब कुछ जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के हेल्प से कर सकते हैं। और कुछ कुछ जो है कंटेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैमरा का यूज करके आप जो है यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं शूटिंग में गया और शूटिंग पे क्लिक किया और मैं जैसे ये बोतल का फ़ोटो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बोतल का फ़ोटो डाल दिया मैं। तो ये शायद जो है मेरा मोबाइल डेटा ऑन है इसलिए परमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। ठीक है, और ये आपको सेंटर और फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं क्या है। तो इस तरीके से जो है आप इस डिस्प्ले को शॉर्ट सेट कर सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप के लेटेस्ट LED से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।